जय हिंद। आर्मी मेस की तरफ से जो सात बड़ी वैकेंसी आई है उसमें से क्या 10th पास स्टूडेंट भर सकते हैं? तो आपको बता दें कि इसमें दो जो वैकेंसी आई है, एक मैट और एक एमटीएस जो पद के लिए हैं, इसमें 10th पास स्टूडेंट भर सकते हैं। और मेरे हिसाब से 10th पास स्टूडेंट को भरना चाहिए, चाहे एक बार भरें, कंपटीशन का एग्जाम दें, उनको ये पता चले कि कैसा एग्जाम होता है। इसलिए इसमें काफी पद भी हैं, सीट भी हैं। एमटीएस की जो है 11,316 रिक्तियां हैं, इतना पद पर ये एमटीएस की खाली पद हैं। और मेट की जो है वो 27,000 पद पर हैं। आर्मी मेस की तरफ से जो ये दो वैकेंसियां हैं, ये 10वीं पास स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, तो इसको भरना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये जो बाकी जो सात बड़ी वैकेंसी में से दो छोड़ के बाकी जो है वो हायर एजुकेशन के लिए हैं, ये सब हाई क्वालिफिकेशन के लिए हैं। बाकी ये दोनों जो हैं वो 10th पास वाले भर सकते हैं। अब बात यह है कि 10th पास स्टूडेंट के लिए एज कितना होना चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए, तो उम्र बता दें, अगर आपको मिनिमम अगर 18 है तो आप 18 अगर हो गया आपका तो आप इसको भर सकते हैं एमएड के लिए, एमटीएस के लिए। और 25 तक, 18 से लेकर 25 तक इसका उम्र है। युक्ता आप 10 पास हैं तो आप ये दोनों को भर सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद दौड़ होगा, और दौड़ में कितना दूर होंगे, कितना मिनट के लिए होंगे, फीमेल के लिए मेल के लिए क्या होंगे, तो बता दें कि दौड़ में सबसे पहले एग्जाम के बाद होगा। एग्जाम में तो बहुत बच्चे जो होंगे नहीं पढ़ने वाले तो छट जाएंगे, बाकी जो पढ़ने वाले होंगे वही सिर्फ दौड़ में भाग ले सकेंगे। तो दौड़ के लिए जो है पुरुष के लिए दिया जाएगा 5 किलोमीटर दौड़ होगा, उसमें से टाइमिंग दिया रहेगा 24 मिनट। और महिला के लिए जो होंगे वो 1600 मीटर होंगे, यानी कि 1.6 किलोमीटर, 8 मिनट समय दिया जाएगा। काफी दौड़ दौड़ के लिए काफी समय है, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसके लिए गए चिंता ना करें। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर है और महिलाएं के लिए 1600 मीटर है, 24 मिनट में और 8 मिनट में ये करनी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम पास करेंगे दौड़ आपके लिए आसान हो जाएंगे। बाकी इसके लिए जो मेडिकल होंगे, दस्तावेज जो होंगे, उस पर हम अगले वीडियो बना देंगे। फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो देखिए हाइट को लेकर जो है वो आपको मेल जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपकी इतना हाइट है तो आप इसके लिए भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल के लिए जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए अब बात यह है कि आर्मी मेस की तरफ से जो वैकेंसियां आई हैं, तो ये सब वैकेंसियां जो हैं वो काम क्या क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि जो मेट है, एमटीएस है, बाकी ये सब जितनी भी वैकेंसियां हैं उसकी जो काम की बात है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा A to Z जो है इसका काम बताएंगे कि इस वैकेंसी में क्या क्या काम होते हैं और किसके लिए बनाया गया है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये वैकेंसियां टोटल जो है वो 41,822 पद पर है, काफी मतलब कि इसमें वैकेंसियां हैं बहुत ज्यादा। और ये वैकेंसियां जो निकल कर आ रही है वो आपको जैसी आएगा वैसे आपको बता देंगे, ये आने वाले हैं, इसकी नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर आ गया है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। कैसे इसको भरना है, कितना फी होंगे और कब भरा जाएगा, मैं उस वीडियो को बना दूंगा, तब उस वीडियो के देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।